आज चुनाव की सोच आपकी। अर्थ प्रकाश टीवी के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना आपके साथ इस कार्यक्रम में रूबरू होते हैं और रोजाना एक नए वार्ड में जाते हैं। पहले वार्ड से हमने शुरुआत की थी और आज वार्ड नंबर 8 का नंबर आ गया है। आज हम वार्ड नंबर 8 में, वार्ड नंबर 8 के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। दरअसल ये एक बिल्कुल नया वार्ड है, जिस तरह से वार्ड नंबर 1 था जिसमें कि सभी के सभी गांव थे। चूंकि अब पंचायतों को डिसॉल्व कर दिया गया है, चंडीगढ़ में पंचायतें नहीं रही हैं, सभी को शहरी इलाका बना दिया गया है। तो वार्ड नंबर 1 में खुदा लाहौरा और खुदा अली शेर जैसे गांव थे। वार्ड नंबर 8 में भी गांव हैं, 4 गांव हैं इसके अंदर, जिसमें इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये मोली गांव है और इसके साथ साथ रायपुर कलां, रायपुर खुर्द और मक्खन माजरा, ये गांव भी इसी वार्ड में आते हैं। और पहली बार यहां के निवासी जो हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अब तक पंचायत के इलेक्शंस में तो यहाँ के निवासी पार्टिसिपेट करते रहे हैं, अपने मत के अधिकार का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन निगम के चुनाव में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। तो जैसा कि हम सबसे पहले यही सवाल पूछा करते हैं कि क्या इस बात से वो खुश हैं कि वो निगम के अंतर्गत आ गए हैं या इनके लिए जो पहले वाला सिस्टम था वो अच्छा था। तो शुरुआत हम इसी से करते हैं। इस वक्त हमारे साथ करतार सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं। तो सबसे पहले तो ठाकुर साहब आप ही से शुरुआत करते हैं, नया वार्ड है आपका, तो कैसा लग रहा है कि नए वार्ड में आप निगम में जाकर, आपको लगता है कि अच्छी बात हुई है या पहले वाला सिस्टम ठीक है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ हमारे गाँव में आकर गुजारे। इसलिए निगम में आने से अच्छा तो महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि 3 साल पहले ही 2019 जनवरी में पंचायतें सारी डिजॉल्व कर दी। उसके बाद गांव में कोई भी केयर टेकर, कोई भी पब्लिक के उसमें काम कराने का भी नहीं रखा। नहीं, वो उसकी बात हम करेंगे। हाँ। लेकिन पहले तो जो उस वक्त सिस्टम चल रहा था वो ठीक था या आपको लगता है कि अब सिस्टम ठीक होगा? पहले थोड़ा इसके बारे में, पहले देन बेटर अच्छा थी, अब सिस्टम जो है डगमगाया हुआ, डगमगाया हुआ। ठीक है, अब मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे, इसी विषय को लेकर हम बात कर लेते हैं, सबकी राय लेते हैं क्या कहना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर साहब, कफील हैं ये भी यहीं के रहने वाले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा मानना ये है कि एमसी में आने से गांव को जो इन्वॉल्व कर लिया गया एमसी के अंडर, ये हमारे गांव से पहले परिस्थिति ज़्यादा अच्छी थी। जो एमसी के अंडर आने के बाद यहाँ पे जो हालात हो गए हैं, गांवों को एक ऐसे छोड़ दिया गया जैसे माँ बच्चा पैदा करके कूड़ेदान में फेंक देती है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि एमसी में आने से लोगों के ऊपर सिर्फ बर्डन पड़ा है, सुधार और विकास कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, पर चलो अभी तो बीच में एक गैप था ना, अब आपका कोई नुमाइंदा ही नहीं था 2 साल तक, आप 2.5 साल तक नहीं मैं तो अगर नुमाइंदा आ जाएगा तो आपको नहीं लगता कि ठीक होगा? तो मैं बताता हूँ, तो ये एमसी को तब तक भी पहले भी सोचना चाहिए था कि अगर किसी को बेसहारा छोड़ो तब तक पंचायत को पावर दे देनी चाहिए थी कि तब तक जब तक कोई नया एमसी नहीं चुन के आता तो गांव की केयर टेक करे। इस पंचायत को वैसे एज इट इज चलने दिया जाता तो मैं समझता था कि कुछ ज्यादा बेटर हो सकता था, अभी इस हालात में ना होता, यानी हालात में ना होता। एक और हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, शुभ नाम तुम्हारा? गुरमेल सिंह। हाँ, गुरमेल सिंह जी, तो तुसी दसो सर, पंचायत वधिया सी या हुण तुहानूं लगदा निगम बन गया तो ज्यादा वधिया काम होगा? पट्ठा बैठ लिया जिदन की आई लिया, पट्ठा बैठ लिया हाँ काम नहीं, हुण इलेक्शन तो बाद तो हो सकता चंगा हो जाए, और वक्त बतावेगा और टाइम बताए क्या हो। ठीक है जी, परीप तो पट्ठा बैठ लिया। कूड़ा करकट का, अब वो भी 180 रुपया वो लेने लग गए पब्लिक से, आम पब्लिक से, गरीब आदमी पर बहुत समस्या होगी, लोड पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त सोन सिंह जी मौजूद हैं, सोन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं और अब जो इलेक्शन, हालांकि अभी कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं लेकिन ये बहुत तगड़े दावेदार हैं यहाँ से और मोस्ट प्रोबेबली इनको टिकट मिलेगा। पहले तो आपको जी हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपको यहाँ से टिकट मिले और आप लोगों की सेवा कर सको। फिर वही सवाल जो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि अब पंचायत यहाँ नहीं रही, लोगों में आप देख रहे हो कि पंचायत ना होने की वजह से काफ़ी रोष है, वो उनको नहीं लगता कि निगम वार्ड बनने से कुछ ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, आप क्या कहते हैं? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल में हम धन्यवाद करते हैं।
आप हमारे गांव में आए, हमारी बात में बात ऐसे है जी। देखो 3 साल से तो पंचायतें टूटी हुई हैं, तो सबको पता ही है जी। पंचायतें टूटी, वो काम बंद है, कोई काम नहीं हुआ। उससे पहले 5 साल मैं पंच रहा हूँ, मेंबर पंचायत रहा हूँ। उस टाइम सरपंच कांग्रेस के थे हमारे यहाँ से, एडवोकेट थे, जब भी कोई काम नहीं हुए, छोटे मोटे काम थे वो, तो पता कि अपने लेवल पे होते हैं। मैंने सीवर वालों को फ़ोन कर दिया, वाटर वालों को कर दिया, वो अपने लेवल पे, कोई वैसे काम नहीं हुए। ठीक है, उससे पहले 15 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ कांग्रेस का नुमाइंदा आके देखा हुआ क्या है? नहीं, अब जब निगम बनेगा तो आपको लगता है कि काम का फायदा होगा? जब निगम बनेगा तो एक्चुअली अभी काम तो होएगा, अभी कोई है इनका जिम्मेदारी नहीं था कोई। मतलब कांग्रेस के पास जाते थे वो भी कह देते हमारा कोई है नहीं, मेरे पास आएंगे, हम तो जितने अपने लेवल पे काम थे वो हो रहे। जैसे सीवर को बोल दी प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, यही छोटी छोटी प्रॉब्लम है। अब मतलब जो अभी वैसे इन लोगों ने तो वो मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ, खुडाली शहर वगैरह जब मैं गया था तो उनका ये भी कहना था कि जब पंचायत थी तो एक गांव में सरपंच होता था, 5-6 पंच होते थे, नुमाइंदे जो थे ज्यादा चुन के आते थे, लोग किसी को भी अप्रोच करते। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तो एक ही वार्ड पार्षद हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये भी दिक्कत तो है ही। अब जहाँ तो 150 बंदा पहले पूरे पिंडों में 150-200 बंदा चुन के आता जी, अब वही 10-11 बंदे रह गए। ठीक है, चलो बाकी तो ऐसे है, नगर निगम में काम देखो, वैसे और वार्डों में देखो, नगर निगम जो आ रखे हैं हमारा साथ का कामों पे मैं आऊँगा दोबारा। अभी अभी पहले आपके साथियों से पूछूंगा, ये अगर कुछ शिकायतें करेंगे तो वो उसका जवाब दे रही है आपसे। हालांकि आप अभी फिलहाल काउंसलर नहीं हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आपकी जो वो सत्ता में है तो आपकी जवाबदेही बन जाती है। हमारे साथ अवतार सिंह जी हैं, ये भी इसी गाँव के हैं, अपना स्कूल चलाते हैं आप यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं। अवतार जी, आपको क्या लगता है कि अब जब यहाँ पर पंचायत नहीं रहेगी और निगम का ये वार्ड बन जाएगा और बहुत बड़ा वार्ड बन जाएगा? सर, अभी तो ये पता ही नहीं है कि पंचायत में, तो हमें पता था क्या काम होते थे क्या नहीं होते थे। एमसी में तो पहली बार गांव जा रहा है, अभी आगे डेवलपमेंट होगी कैसी होगी। ताज़ा तो मैं ये बता दूं कि हमारे छोटे छोटे स्कूल हैं यहाँ पे जी, तो अब उन पे 2,000-2,000 रुपया गार्बेज का हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया गया महीने का, और जबकि 1.5 साल से हमारे स्कूल बंद पड़े हैं। पिछला भी हमारे पास पिछले महीने मैंने 14,000 रुपया जमा करवाया 7 महीने का, इस बार 2 महीने का फिर 4,000 मैंने जमा करवाया, और जबकि 1.5 साल से सारी दुनिया को पता है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से स्कूल बंद पड़े हैं, और पानी के बिल जनता पीछे, यहाँ कैंप भी लगा था, डबल ट्रिपल बिल, ये वो प्रशासन की अनदेखी तो है ही अगर गाँव की तरफ। बिल्कुल, तो चलिए अब हम करते हैं जो यहाँ के मुद्दे हैं उनको लेकर बात करते हैं। ठाकुर साहब, एक बार फिर आपके पास आते हैं। हाँ, अब आप बताइए कि आपके गांव में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या? देखो दिक्कतें, एक तो यहाँ गांव के बीचों बीच गंदा नाला बह रहा है जी, जो कि एक बीमारी का घर बना हुआ है। हमारे टाइम में वहाँ पत्थर वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन ने करवा दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर जब ये आया तो वो भी लेके उठा के, और गंदा नाला जो है उसमें मच्छरों की भरमार है। सारा पंचकूला में सटीबा मनसा देवी सारा पानी उसमें आता है, सीवर का पानी भी उसी में है जी। वो सब तो बड़ी एक समस्या है जी। उसके दोनों पास से अगर दीवार बन जाती, पानी का बहाव सही हो जाता तो शायद इतना वो ना होता। अभी लोगों को डेंगू हो रहा है, कितने पेशेंट यहाँ से जा रहे हैं हॉस्पिटलों में जी। ये नाला जो है बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, नंबर दो, हमने चरणों के अनु में सरपंच था तो उस टाइम पार्क मैंने डेवलप कराया था जी। अच्छा, शमशान घाट गांव में नहीं था, जो जगह थी एक्विजिशन में आ चुकी है। शमशान घाट की जो जगह थी वो आबादी के बीच में थी जी। हमने एक्वायर जगह सरकार से छुड़ा के, जगदीश सागर जी एडवाइजर होते थे, उनको बुला के और दिखा के आबादी में से उठा के शमशान घाट वहां लेके, अभी वहां धर्मशाला बनाई हमने, उसमें AMU चल रहा है, डिस्पेंसरी रन कर रही है उसमें। नहीं, आपके उपलब्धियाँ होंगी ना ये तो। हाँ। अभी फिलहाल आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, ठाकुर साहब से करते हैं और क्या प्रॉब्लम, उसके बाद आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं वो हम दोबारा आपके पास आएंगे। वो एक तरह का आपका इलेक्शन कैंपेन हो जाएगा कि आप मुझे वोट दीजिए, ये वो अपने सर। आप अभी फिलहाल तो अपने दिक्कतें बताइए। दिक्कतें बताता हूँ गाँव के अंदर, जब से गाँव के MC पंचायत खत्म हुई, गाँव के अंदर पहली बात तो कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं पूछने वाला नहीं। दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर गंदगियों के ढेर। अब जैसे इन्होंने सोन सिंह जी ने बता दिया कि मैं अपने पर्सनल बिहाफ पे, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा दफ्तर ये बिल्कुल चौक के ऊपर है,
हमारे पास दिन में हजारों लोग आते हैं कि भैया हमारी सीवरेज बंद है, ये तो हमारी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ड्यूटी बनती है। अगर आप किसी रिप्रेजेंट, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें काजनीति करनी है। जनता हमें सेवा के लिए चुनती है जी। हमें कोई ये कि नहीं है कि हमें जनता ने बना दिया, तो हमें अपने किसी, अगर धर्म का कार्य कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, तो गिनती में नहीं आती। रही बात, मैं एक चीज बता देता हूँ, सोन सिंह यहाँ पे खड़े हैं, मौजूदा खड़े हैं, हमारे गाँव में एक पंचायत नहीं है, पंचायत मेंबर थे, ये कहते हैं ना पंचायत में कोई काम नहीं हुआ, 15 साल से ये पंचायत के अंदर मेंबर थे, पंद्रह साल में आप भी बीच में 5 साल में मेंबर थे। इन भाई साहब से इनके एफर्ट, मैं ये नहीं कहूंगा किसी कांग्रेस बीजेपी की राजनीति नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि इनके और पंचायत के एफर्ट से, चाहे मेरे पिताजी कांग्रेस थे, ये बीजेपी से थे, काम हुए। काम होने के बाद हमने एक लड़ाई करके प्रशासन से ग्राम संपर्क लगवाया था, ताकि हमारी बच्चियों को, हमारी माता बहनों को गाँव से बाहर ना जाना पड़े, जिसका नाम था ग्राम संपर्क मौली जागरण। तो ये भाई साहब यहाँ से आए, अनिल दुबे जी ने, एमपी किरण खेर ने, यहाँ पे पास के विकास नगर में एक संपर्क सेंटर खोलना था, तो मैंने वहाँ पे इतना रोड़ा मचाया वहाँ पे कि आप ग्राम का संपर्क उठा के वहाँ क्यों लेके जा रहे हो, जो एमसी के अंडर है वो ग्राम संपर्क तो रहेगा ही नहीं, और गांव के लोगों की सुविधा के लिए यहाँ ग्राम कॉम्प्लेक्स के लोग, आसपास के लोग भी अपने काम करवा लेते थे। तो मैंने इतना शोर मने में इनसे भी अपील की कि भाई साहब आप इसको करवाओ, आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है। ये इनका जवाब आगे से मेरे को आया, कहते कि आप धरना दे दो। तो भाई अगर आप सरकार आपकी होने के बावजूद, मंत्री आपके होने के बाद, एमपी आपका होने के बाद, हमारे गांव से आप हमारी डेवलपमेंट छीन लोगे और फिर धरने पे हम बैठे, तो आपकी सरकार का हमें क्या फायदा है? ये तो बड़ा सीरियस एलिगेशन है। देखिए जी, आपने यहाँ पे ग्राम संपर्क था और ये मुझे लग रहा है काफी सीरियस मसला है, आप निश्चित तौर पर जवाब देना चाहेंगे इसका। ऐसे ये तो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, इनके लिए भी है, और मैंने भी इनके, इन्होंने कहा भी ये लेके जा रहे हैं, मैंने भी साइन किए, ये तो मैं भी कह रहा था कि नहीं जाना चाहिए, ये तो गांव का मसला था ना जी। अच्छा। तो मैंने भी कहा इनके, इन्होंने साइन करवाए, तो वो आपकी सुनी नहीं की आपकी पार्टी में दुबे जी, ज्यादा भी नहीं पता लगा सर इनको, क्या किसी को नहीं, जब पता चला ले गए, ये नहीं हमने कहते बीजेपी वाले ने लगवाया, किसी ने करवाई, ये नहीं कह सकते, ये तो वहाँ चले गया, तो बाद में पता लगा हमने साइन करे इस मैटर में। यानी कि इसका मतलब जो ज्यादा दबंग टाइप के लीडर हैं, जो वो अपनी चलवा लेते हैं, जो थोड़ा आप पार्टी में ऐसा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, दबंग है या कुछ है, उन्होंने तो वहाँ प्रशासन से मांग करी, ना कि हमारे से मांग करी, प्रशासन से मांग करी ना, प्रशासन ने देखना भी कहाँ लगाना कहाँ नहीं, पर ये है हम भी कहते हैं कि यहाँ से उठाना नहीं चाहिए, वहाँ देना तो नवा देना, ये तो मैं भी कहता हूँ, मैंने भी सहन किया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हालात काफ़ी ख़राब हैं, पार्क का आप देख सकते हैं, हम खुद देख रहे हैं, जो मेंटेनेंस होनी चाहिए वो नहीं है, वाटर टैरिफ जो है वो बढ़ गया है, और उसके साथ साथ जो गार्बेज डिस्पोजल का सिस्टम है वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, उसके बारे में आप कह रहे हैं। पार्क है जो आपके सामने, हम इसको आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, सारे लड़के लगे हुए हैं, हमने माली भी रखा हुआ 500 रुपये पर, हम अपने जो मेंबर हैं हम मिला के, आप अभी प्रॉपर कॉर्पोरेशन में गांव आए हैं, लेकिन अभी वाली बात तो है नहीं, तो बोल ही रहे, जिस दिन काउंसलर आएगा यहाँ माली भी आएंगे, सारा कुछ आएंगे। और इसके अलावा कोई, हाँ हाँ, देसरा जी, आप मेन रोड है, पीडब्ल्यूडी का एक रोड आ रहा है, गांव के बीच में से निकलता है, कम से कम 15-20 साल हो गए इस रोड की, कोई रिपेयर नहीं हुई, कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है, कोई 7-8 साल बीजेपी वालों को भी देखते को हो गए, इनको भी कहते को हो गए भाई इसका को करवा दो, ये कहते आज होएगा कल होएगा, आज तक उस रोड का कुछ नहीं होया, बरसात में सारा पानी भर जाऊंगा, लोगों के घरों तक पानी चला जाए। तो आपको अब क्या उम्मीद लगती है, तो उम्मीद लगती है कि हुन नमाज जदो बड़ा नुमाइंदा आएगा, आगे इलेक्शन के बाद देखो कोई अच्छी लोग आए तो ठीक हो जाए। अच्छा, ओवरऑल यहाँ पे आप बताइए अपना क्या सिचुएशन लग रही है, लोग वोट जो है कैंडिडेट का मुंह देख के देते हैं या पार्टी के हिसाब से देते हैं, लोकल इश्यूज को लेके देते हैं, या कि मोदी के चेहरे को देख के देखते हैं, क्या क्या तो मोदी के चेहरे ने वोट पड़ी है। अच्छा, आम पट्ठा बढ़ा दिया, वोट मारना भी डाली है, महाराज पट्ठा कैल बैठ गया, बोलो जी, ठीक है। किस्सा बताऊं क्या, और पूरा पूरा सारी दुनिया कह रही है, ने सारी पब्लिक कह रही है, ने भी कह रहे हैं पट्ठा बैठ लिया, सारा पट्ठा लिया बैठ, अब पट्ठा सलगाने की बात है, बचाए पानी गिर रहे हैं, बच जा कहीं थे नहीं है, बन गया एक आदमी जो अपनी कार्रवाई पूरी करेगा, चाहे मरे को जुए, मत तो मार दिया, फिर देखेंगे जुएंगे नहीं जुएंगे,
और टाइम बताएगा। यानी कि तुहानू लगता है कि लोग सिर्फ अपनी महंगाई की वजह बिल्कुल 200 रुपए की बोतल 250 की बोतल तेल है कि सिर्फ क्रॉस कर गया पेट्रोल डीजल क्रॉस कर गया कहाँ से पाए जी मेरा कहाँ जाए मैं बेचारे। तुसी सोन जी इस बारे की कहना चाहोगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਮੇਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਂ 9000 ਰੁਪਏ ਸਰੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਡਕਮੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਟਾਇਆ 1-1-2 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਘਟਾਇਆ 17 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਜਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ 17 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਹਾਲੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 2-1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੰਗਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਪੰਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਵਰ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਸੀਵਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੀਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ 5-4 ਦਿਨ 'ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਲ ਤੂਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਹੜਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਫਲਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਪਿੰਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਪਿੰਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡੀਪ ਮੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੀਵਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਏ ਸੀਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣਾ ਐਦਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਸ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਅੱਧੀ ਰੋਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰੋਡਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ
आप भी दावेदार हैं यहाँ पर, तो जैसे उन्होंने कहा कि जब मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ये काम करवाऊँगा, आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं अपने गांव के लोगों को और पूरे वार्ड के लोगों को? खैर मैं बोलने पे विश्वास नहीं करता, मैं काम पे विश्वास करता हूँ जी। किया है, तो काम करेंगे, जितने जो जो दिक्कतें हैं उनको हर उसमें प्रयास होंगे और उनको दूर किया जाएगा। महंगाई के बारे में जो है मुद्दा उठाएंगे, जो महंगाई लोगों के ऊपर मंडरा रही है इसके लिए मुद्दा उठाएंगे, डेवलपमेंट का काम है पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 का सिलेंडर हो गया भाइयों, भैरों नोटबंदी कभी कुछ बंदी कभी कुछ बंदी, जो ही कम रह गया तो और कम भी कर रहे, कोई सब्सिडी भी गई, हाँ सिलेंडर से सारा कुछ रह दिया। तो ये थे हमारे राशन कार्ड भी कट गए सारे गरीबों के, अपना जो अपना जो आप अपनी बात कह रहे हैं, बाबा जी बोलो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। तो लोगों में नाराजगी है न सिर्फ लोकल इश्यूज को लेकर बल्कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, महंगाई जैसा मुद्दा है उनको लेकर भी लोगों में काफी रोष है, लोग काफी नाराज है। तो देखिए क्या बनता है, चुनाव आने वाले हैं, हालांकि कैंडिडेट सभी तैयार नहीं हुए हैं, जैसे जैसे कैंडिडेट मामला और गरमाएगा और मोली गांव से फिर से जो है और ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।